नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया एक्यूकेडिंग स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ बीएसटीसी कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको कितने नंबर आपके हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप जो है अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है। पेपर ख़त्म हो चुका है, आंसर की आप लोगों ने मिला लिए, हमने पेपर का एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोग आपको जो है कट ऑफ बता रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही जो है हमने सर्वे करने के बाद ये सटीक कट ऑफ का एनालिसिस किया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या रहेगी कट ऑफ। दोस्तों, हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सरकारी बाबा जी लिखेंगे। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको शुरू में दिखेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मित्रों, तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। आपको सीधा ये पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर की चीज़ें आपको सीधा, दोस्तों कितनी सीटें हैं आपकी कॉलेज में, तो इसमें सीटें होने वाली लगभग 25,000। कितने लोगों का जो है एडमिशन किया जाएगा, लगभग 25,000 स्टूडेंटों का जो है प्रवेश किया जाएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 3 घंटे का पेपर होता है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे पूरे में से पूरे क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ी सी किस प्रकार की कट ऑफ रहती है, आप जो यदि इसमें माइनस मार्किंग रहती है तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती किसी भी कंडीशन में। परंतु मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, ये हमने सटीक एनालिसिस किया है, उसी के बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे। हर कैटेगरी की बताएंगे कट ऑफ, और महिलाओं की भी बताएंगे। जिसे यहाँ कैटेगरी लिख रखा है, यहाँ मेल लिख रखा है लड़कों का, और यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ लिख रखी है लड़कियों की। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जैसे रिजल्ट की भी कोई अपडेट आएगी, सबसे पहले रिजल्ट की अपडेट भी हम बीएसटीसी की बता देंगे कि कितनी तारीख को तो रिजल्ट आएगा और आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। हर अपडेट में इस वीडियो में आपको रोजाना देने वाला हूँ चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, है ना। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, तो वो कितनी जाने वाली है, 425 से 435 नंबर लड़कों की जाने वाली है। 425 से 435 लड़कों की कट ऑफ, लड़कियों की 409 से 419 आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगी। आप काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा, आप काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा। उसके बाद ओबीसी वालों की बात करूँ तो ओबीसी की 400 से 409, लड़कों की, लड़कियों की 360 से 370, यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर काउंसलिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 390 से 395, उसके अलावा 355 से 360 यहाँ पर लड़कियों की रहने वाली है। तो दोस्तों, ये कट ऑफ बहुत ही सटीकता के साथ हमने आप लोगों के लिए बनाई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, एससी यानी कि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 370 से 380, दोस्तों आपके 370 से 380, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ 360 भी आ रहे हैं ना, मैं तो, ये तो कॉलेज मिलने की बात है, परंतु आपको काउंसलिंग करवाना है, आपका वेटिंग में नाम आ जाएगा, 360 भी नंबर आ रहे हैं तो करवा लेना, इनसे 10 नंबर कम कर लेना भाई, है ना, ठीक है। आपका वेटिंग में आ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा, यदि 10 नंबर आप इनमें से कम कर लोगे सब में तो आपका ये समझ लीजिए वेटिंग में तो नाम आ जाएगा, काउंसलिंग करवा देना। यदि इनमें से भी 10-10 नंबर कम आपको आ रहे हैं तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने आंसर की मिला ली होगी, मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पर एसी कैटेगरी की लड़कियों की बात करें 350 से 355, एसटी में बात करें तो 360 से 365 लड़कों की, लड़कियों की 348 से 354, जिस प्रकार की ये कट ऑफ आपकी रहने वाली, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ये बीएसटीसी कट ऑफ 2024 की रहने वाली है दोस्तों। इस प्रकार से कट ऑफ, आप इसमें से 10 नंबर कम कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा, परंतु ये तो एग्जैक्ट मैंने सही डाटा बताया है दोस्तों, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका श्योर है। मैं तो 10 नंबर कम आ रहे हैं तो भी बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग तो करवा ही लेना, है ना, परंतु इसमें तो कॉलेज आपको मिल जाएगी गारंटी के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार थी, हमने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से पूछा, आज एग्जाम सेंटर में भी हम गए और हमने पता किया कि कितने लोगों ने कितने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट तो पूरे ही किए, पर उनमें से कितने आप लोगों के सही है, किस प्रकार की आपने तैयारी की थी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सीधे 12वीं में से आए, उन्होंने फॉर्म भर दिया क्योंकि
कि बीएसटीसी मामला चल रहा है, मास्टर बन रहे हैं आजकल, तो आया सबने फॉरम भर दिया। इसलिए दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए, परंतु जो है उपस्थिति भी कम थी। तो इस कारण बहुत सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से, और 25,000 सीटें हैं, कोई सीटें भी कम नहीं है, इस कारण से जो है यहाँ पर बहुत कम जो है कट ऑफ जाएगी। इस प्रकार की ये कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, आपके 600 नंबरों में से ये कट ऑफ जा रही है, और आप लोगों के भी अच्छे खासे नंबर आ रहे होंगे, हम विश्वास करते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप जिसको भी मानते हो उसकी जो है हम मिन्नत मांगते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप लोगों को कॉलेज मिल जाए एक प्यारी सी। धन्यवाद मित्रों, और कॉलेज पूरे राजस्थान में सिलेक्ट कर लेना यदि कम नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है ना। यदि अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं आपके 400, 450 तो आप अपनी मर्जी से कर लेना, आपको चॉइस वाली कॉलेज मिल जाएगी। धन्यवाद।